टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज़। सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया पर। तो दोस्तों, अगर आप भी एक फोन बाय करने की सोच रहे हो और आपको बजट जो है वो 20,000 रुपीज़ तक ही लिमिटेड बजट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मार्केट में इस बजट में काफी सारे डिफरेंट कंपनीज की तरफ से काफी डिफरेंट स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ये समझ नहीं आता कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा या कौन सा स्मार्टफोन की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी नीड आपकी यूजर्स के बेसिस पर हमने टॉप 4 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जिन्हें आप 20,000 के बजट में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ खरीद पाएंगे। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi K50i 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो काफ़ी बार यह स्मार्टफोन आपको 24-25,000 रुपीज़ की रेंज में देखने को मिलेगा, बट तब आपको यह स्मार्टफोन बाय नहीं करना है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेल में यह स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज़ सेल हुआ है। सो अगर आप इसे अंडर 20,000 आप ग्रैब कर पाते हैं तो यह स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ग्रेट डील होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Dimensity 8100 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.85 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 6GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5080mAh की काफ़ी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आपको काफ़ी फास्ट चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है। सो आपका जो स्मार्टफोन है वो काफी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा और सिंगल चार्ज में आपको काफी बढ़िया बैकअप भी निकाल कर देगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की एक लिक्विड FFS LCD पैनल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2460 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 407 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इसके अलावा, तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको इस स्मार्टफोन को यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। एंड अगर एंड में अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहां से मैक्सिमम 4K की क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 16MP का आपको यहां पर एक सामने एक तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो अगर बात करें 20,000 रुपीज़ के अराउंड में इस स्मार्टफोन के ऑलराउंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यह स्मार्टफोन बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ निकल कर आता है और यह स्मार्टफोन 20,000 रुपीज़ के बजट रेंज में सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशंस निकाल के देता है। सो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है OnePlus की तरफ से Nord CE3 Lite 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 20,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड वहीं पे अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के लिए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 8GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहां पर आपको बैटरी भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि है 5000mAh की। और इसके अलावा आपको 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहां पर भी देखने को मिल जाता है। सो यहां पर भी आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 6.72 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया IPS LCD पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 391 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले के तौर पर काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 108MP के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें 2-2MP के दो अलग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहां से Full HD में अपनी वीडियोस को 30fps पर इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करें, तो सामने की तरफ आपको 16MP का एक सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है।
और आप सामने की तरफ से भी काफी बढ़िया क्वालिटी में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, और थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो निकल कर आता है पोको की तरफ से, पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको अराउंड 20,000 रुपीज़, 21,000 रुपीज़ के अराउंड में देखने को मिल जाता है। बट अगर आप इसे सेल के दौरान खरीद पाते हैं, तब ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 इजीली देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस के तौर पर काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 6GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि है 5000 mAh की, और उसके सपोर्ट में आपको फास्ट चार्जिंग के तौर पर 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर भी 6.67 inches की एक काफी बड़ी OLED पैनल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 395 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। एंड एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 108MP के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8MP का एक सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें सामने वाले सेंसर की, तो सामने की तरफ आपको ISOCELL HM2 का सामने की तरफ एक 16MP का सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप सामने की तरफ से भी काफी बढ़िया क्वालिटी में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है इन्फिनिक्स की तरफ से GT10 Pro स्मार्टफोन। और अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यह स्मार्टफोन आपको इजीली अंडर 20,000 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। बट वहीं पे अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के लिए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8050 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 3GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड 256GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको इस बजट में देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 5000 mAh की आपको यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। सो यहाँ पर भी आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको इस बजट में 6.67 inches की काफ़ी बड़ी AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। इसके अलावा आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये जो डिस्प्ले है वो 387 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। और एट द एंड अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको मेन सेंसर के तौर पर 108MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा आपको 2 2MP के दो अलग सेंसर देखने को मिल जाते हैं विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात कर लें सामने वाले सेंसर की, तो 32MP का आपको यहां पर भी सामने की तरफ भी एक काफ़ी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप यहां से भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी पर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोटोज़ को इजीली क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन में। तो ये रहे टॉप 4 स्मार्टफोन, जिन्हें आप 20,000 रुपीज़ के बजट में इजीली ग्रैब कर सकते हैं, और जो कि 20,000 के बजट में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।